हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के अपने YouTube चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ये जो पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि बैंक पीओ या बैंक क्लर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आया करते हैं। तो उन 5 नंबर के क्वेश्चनों को हम लोग को कैसे करना है, आपको मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो है आपको 4 मैथड में सिखाऊंगा। 4 मेथड के द्वारा जो है उन 5 क्वेश्चनों को हम लोग कर सकते हैं। 4 मेथड जो होंगे, 4 मेथड में जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन पे से आप 5 के 5 कर लोगे या 4 में 4 कर लोगे। मैक्सिमम उन 5 क्वेश्चनों के लिए, ये जो 5 क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आएंगे, इन 5 क्वेश्चनों को 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो 5 के 5 नहीं हुए तो 4 तो 100% श्योर है कि 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे पेपर में उन्हीं मेथडों के द्वारा। और मैक्सिमम मेथड भी ज़्यादा नहीं है कि आपको पजल होना पड़ेगा, केवल और केवल 4 मेथड है और इन्हीं 4 मेथडों के द्वारा वो 5 के 5 क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो हम लोग सीखने चलते हैं कि कैसे बनाते हैं। उनमें से आपके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया था सीरीज के, और फिर बताऊँगा कि अब इसमें क्या होता है। बेसिकली होता है क्या, मैं बताया था कि इसको डायग्नोसिस करना होता है हम लोगों को, कि क्वेश्चनों को डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अगर सही तरीका से क्वेश्चनों का डायग्नोसिस कर लिया तो 100% मेरे मेथड बताए हुए मेथड के द्वारा क्वेश्चनों को आप बहुत ही फास्ट वे में बता सकते हो। तो आप देखो कि उसे कैसे क्या करना है। तो आपके सामने आए हुए क्वेश्चन जो हैं, जो लेटेस्ट में पेपर में मतलब 18 और 19 में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का कुछ कलेक्शन लेकर आया हूँ और आप देखते हैं कि उसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, 5 है, ए वॉट है और ए 4 है, 7.5, 17 और 45, ये आपके पास क्वेश्चन है और इनके आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2.5, चौथा ऑप्शन है 2 और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखो, अब इन क्वेश्चन के बारे में तो मैंने बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग को ऐसे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्वेश्चन क्या है। कभी भी सीरीज में आपको इसमें 3 पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं, इसी में 3 पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। एक सामने जो नज़र आ रहा है और 2 पैटर्न और होगा, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब उसमें 3 पैटर्न का मतलब क्या होता है, देखो पैटर्न क्या है, पहले ये देखो पैटर्न है कि कभी भी सीरीज में जैसे आपके पास 5 था बेटा, 5 के बाद ये नहीं मालूम क्या है, लेकिन ये 4 है और 4 के बाद 7.5 है। इसका मतलब देखने के बाद लग रहा है कि पहले नंबर के बाद 3rd नंबर कम हो रहा है या पहले नंबर के बाद 2nd नंबर कम हो रहा है। ध्यान देना, अगर पहले नंबर के बाद 2nd नंबर कम हो रहा हो या पहले नंबर के बाद 3rd नंबर भी कम हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में 3 मिलते हैं। 3 कंडीशन में क्या हो गया, पहले के बाद 2nd कम हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा। ध्यान से बातों को सुनने की कोशिश करना। पहले नंबर के बाद क्या किया, फर्स्ट स्टेप के बाद, जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लो कि ये मैंने लिख दिया कि ये मेरा 18 था और 18 के बाद मैंने 15 लिख दिया, अब 15 के बाद मैंने यहाँ पर 16 कर दिया और 16 के बाद मैंने यहाँ 22 कर लिया, अब 22 के बाद जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 ले लिया, उसके बाद अगला नंबर क्या, एक पैटर्न है। मतलब पहले नंबर के बाद दूसरा कम हो गया और दूसरे के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूअस इंक्रीज है, उसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीज, एक पैटर्न ये मिला। दूसरा पैटर्न बेटा मिल सकता है यहाँ पर कि ये 18 था और ये आपके पास, मान लो कि ये आपके पास 16 होता और 16 के बाद ये भी 14 होता और 14 के बाद ये 15 होता, 15 के बाद ये 22 होता, 22 के बाद मान लो 30 होता, अगला नंबर पूछा गया होता। इसका मतलब यहाँ पर दूसरा पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि पहले के बाद दूसरा कम हो गया, पहले के बाद दूसरा कम हो गया और दूसरे से तीसरा भी कम हो गया, दूसरे से तीसरा भी कम हो गया और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक तो पैटर्न ये मिलेगा, या ऐसे बोल सकते हो कि 18 था और ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, फिर आगे जो भी यहाँ पर मान लो कि कर लिया 13.5 कर लिया मैंने और यहाँ पर 27 कर लिया, ऐसे पैटर्न। मतलब पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर कम हो गया और उसके बाद दूसरा और तीसरा बराबर मिल गए, दूसरा और तीसरा बराबर मिल गया और उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूअस क्या किया, इंक्रीज कर गया। तो 3 पैटर्न ये होते हैं। इन 3 पैटर्न में से कोई भी पैटर्न अगर आपके सामने नज़र आ रहा हो, पहले क्या पैटर्न है कि 18 के बाद मान लो कि कम हो गया, जो भी वैल्यू जो भी था, 15 हो जाए, 16 हो जाए, 14 हो जाए, उसके बाद इस सेकेंड प्लेस के बाद
अब यहाँ 15 था तो 15 से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ये 14 था तो 14 से बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा, ये 12 होगा तो 12 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, 1 by 1 कर हर स्टेप में बढ़ते ही चला जाएगा। एक पैटर्न ये मिला, फिर मान लो कि 15 के 16 के 18 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद देखो 14 हो गया, मतलब पहला के बाद दूसरा भी कम हो गया और दूसरा से तीसरा भी कम हो गया और उसके बाद कंटिन्यूस बढ़ने लगा, 14 के बाद 15, 15 के बाद 22, ऐसे सीक्वेंस बढ़ने लगे। या मान लो कि 18 था, सेकेंड स्टेप कम हो गया और सेकेंड और थर्ड स्टेप यहाँ बराबर हो गया और उसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज हो गया लास्ट तक का। अगर ये तीन पैटर्न के सीरीज में क्वेश्चन आपको जब भी पेपर में मिलते हो तो आपको इस पैटर्न के सीरीज में क्या होता है, इसका रूल क्या बनेगा बेटा, रूल बनेगा मल्टीप्लाई होना। रूल क्या मिलेगा इसका, इसका रूल मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई जो भी होगा वो आधा से स्टार्ट होगा या माइनस मतलब 1 से स्टार्ट होगा। ऐसे सीरीज में जो मल्टीप्लाई स्टार्ट होते हैं वो हाफ से स्टार्ट होते हैं या 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। अगर आधा से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो तो इसमें तीन सीक्वेंस चलते हैं, वो सीक्वेंस भी नोट कर लो एक बार कि क्या क्या सीक्वेंस होंगे। एक तो पैटर्न आपको बता दें किस पैटर्न में होना चाहिए, पैटर्न में होने के बाद आपको क्या होना चाहिए भी बता दिया। अब इसमें तीन पैटर्न, अगर आधा से मल्टीप्लाई स्टार्ट होगा तो मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, और 1 से स्टार्ट होगा तो हमेशा माइनस ही होगा। अगर मल्टीप्लाई का स्टार्टिंग 1 से हो रहा है सीरीज में तो 1 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हर स्टेप में आपको माइनस ही होगा, प्लस जैसा कोई वर्ड नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो आधा में क्या क्या मिलेगा, आधा से जब सीरीज स्टार्ट होती है तो यहाँ प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तीन क्या मिलेंगे, मान लो पहला स्टेप आधा से मल्टीप्लाई किया गया, प्लस या माइनस समथिंग कर लिया गया, दूसरा स्टेप 1 से होगा, प्लस माइनस समथिंग होगा, फिर तीसरा स्टेप डेढ़ से होगा, डेढ़ के बाद भी प्लस माइनस समथिंग, फिर 2 से होगा और 2 के बाद प्लस माइनस समथिंग, ऐसे आगे बढ़ जाएगा, डेढ़ दो ढाई, या आधा से स्टार्ट हो रहा है प्लस माइनस समथिंग या मल्टीप्लाई ही हो सकता है, या यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है प्लस माइनस समथिंग, 1 के बाद बेटा यहाँ पर 2 से हो जाएगा और प्लस माइनस समथिंग, और 4 से होगा प्लस माइनस समथिंग, फिर 8 से होगा प्लस माइनस समथिंग, मतलब होगा डबल, आधा का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 के डबल 8। या ऐसे भी बोल सकता है कि आधा से स्टार्ट होगा प्लस माइनस समथिंग, फिर आपका जो अगला स्टेप होगा वो 1 से स्टार्ट, डेढ़ 1 से स्टार्ट होगा प्लस माइनस समथिंग, ठीक है, और आधा के बाद डेढ़, आधा के बाद डेढ़ से स्टार्ट होगा प्लस माइनस समथिंग, डेढ़ के बाद ढाई का स्टार्ट होगा प्लस माइनस समथिंग, मतलब फिर मल्टीप्लाई 3.5 का होगा, फिर प्लस माइनस समथिंग, ऐसा मतलब एक एक के अंदर पर चलेगा, आधा के बाद प्लस माइनस समथिंग, उसके बाद डेढ़, मतलब आधा से 1 बढ़ गया, फिर डेढ़ से ढाई, ढाई से 3.5, मतलब ये सीक्वेंस बता रहा हूँ कि ऐसे सीक्वेंस में सीरीज मिलते हैं। अगर 1 से स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होने के बाद आपका हमेशा माइनस ही होगा। तो 1 वाले में क्या क्या सीक्वेंस मिल सकते हैं, 1 वाले में जो सीक्वेंस आपको मिल सकते हैं, 1 से स्टार्ट हो गया माइनस होगा हमेशा, फिर 2 का फिर माइनस, फिर 3 का फिर माइनस, फिर 4 का फिर माइनस, मतलब ये होगा, फिर यहाँ पर 1 का माइनस, डेढ़ का फिर माइनस, 2 का फिर माइनस, 3 का फिर माइनस, मतलब 1, डेढ़, 2, ढाई हो गया, आप ढाई फिर माइनस, ढाई के बाद 3.5 कर सकते हो, तो मतलब 3 कर सकते हो, या 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 8 माइनस, फिर 16 माइनस, मतलब हुआ कि डबल डबल पर सीरीज चलेंगे। तो ये आपके तीन सीक्वेंस 1 से मिल जाते हैं मोस्टली केसेस में, 99.9% केसेस में ये मिलते हैं, 1 या आधा से सीरीज जो होती है इन्हीं सीक्वेंस में कोई ना कोई सीरीज चलती रहती है। अगर आपको नोट करना होगा तो नोट भी कर लेना, जिससे कि आप चीज़ों को सही तरीका से देख सकते हो। अब यहाँ पर 5 से स्टार्ट हुआ था, सीक्वेंस तो यही है कि 5 के बाद ये वैल्यू कम है और इसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज आपको लास्ट तक मिल गया। तो आपको यहाँ से हम लोग को नहीं मालूम कि मल्टीप्लाई होगा तो किससे होगा, ये भी नहीं मालूम कि किससे हुआ, लेकिन ये लग रहा है कि डेढ़ का मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है, डेढ़ का मल्टीप्लाई है, और डेढ़ के मल्टीप्लाई के बाद कितना आ गया, 4 का डेढ़ा 6 होता है, और 7.5 लाने के लिए डेढ़ जोड़ना भी पड़ा। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। उसके बाद ये डेढ़ का मल्टीप्लाई डेढ़ जुड़ गया। इसके बाद देखना, अब यहाँ पर लग रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई, 7.5 में 2 का करोगे 15 बनेगा, और फिर इसमें 2 जोड़ोगे
तो दो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 17 मिल जाएगा। फिर अगला स्टेप में आप देखो कि अगर इसमें ढाई का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, ढाई का मतलब 34.5, 42.5, 42.5 और प्लस मतलब ढाई जोड़ देंगे तो ये हो गया। मतलब सीक्वेंस आपको लग रहा है कि यहाँ पर डेढ़ का मल्टीप्लाई डेढ़ जोड़ा गया, दो का मल्टीप्लाई दो जोड़ा गया, ढाई का मल्टीप्लाई ढाई जोड़ा गया। तो ढाई ढाई दो डेढ़, ये बेटा हो जाएगा एक प्लस एक और ये हो जाएगा आधा प्लस आधा, यही होगा ना। सीक्वेंस मिलाएंगे तो जितना का मल्टीप्लाई उतना ही ऐड किया गया है। तो अगर आधा का मल्टीप्लाई करते हैं पाँच में, तो पाँच में आधा का मल्टीप्लाई करने पर ढाई मिलेगा और आधा जोड़ने पर तीन मिलेगा। तो ढाई में आधा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तीन मिलेगा। तो ये वैल्यू तीन होनी चाहिए। और देखो तीन में अगर एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री हो गया और फिर एक जोड़ते हैं तो चार आ गया। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपके आंसर हो गया थ्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका राइट आंसर था। तो जो भी ऐसे सीरीज मिलते हैं उनको आपको ऐसे ही करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों का मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, या प्रैक्टिस कर लो, ये पैटर्न है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है फाइव है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर व्हाट है, फिर 38 है। और यहाँ पर ऑप्शन जो नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन चेंज कर लो, ऑप्शन कुछ अलग है। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन में नज़र आ रहा है 8.5, दूसरा ऑप्शन इसका 6 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास जो नज़र आ रहा है वो 7.5 है और अगला ऑप्शन है 8.8 है और अगला तो नन ऑफ दीज हो गया। अब आप देखो कि यहाँ भी वही पैटर्न है। देखो पहले नंबर के बाद दूसरा कम हो गया और उसके बाद क्या हुआ, तीन के बाद चार, मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में मल्टीप्लाई अगर आधा का करते हैं, देखना आधा का करते हैं तो ढाई होता है और आधा जोड़ेंगे तो जाकर तीन हो जाएगा। सिक्वेंस क्या होगा कि तो आधा का मल्टीप्लाई होगा एक का, पहले आधा से लेकर चलकर चेक कर लेते हैं, आधा का नहीं होगा तो एक पर चलेंगे। तो आधा प्लस आधा कर दिया तो ये आ गया। अब बेटा देखो आधा के बाद दो मल्टीप्लाई हो सकता है, आधा के बाद एक डेढ़ दो का भी हो सकता है, या आधा के बाद एक का दो का चार का आठ का ऐसे भी चल सकता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये वैल्यू अगर मैंने एक का मल्टीप्लाई किया तो एक जोड़ना पड़ेगा, और तीन में एक का मल्टीप्लाई किया तीन, एक जोड़ेंगे तो चार। अब एक के बाद क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें आ सकती हैं, एक के बाद आधा के बाद एक देखो, और एक के बाद यहाँ पर दो चीज़ें आ सकती हैं कि तो डेढ़ भी आ सकता है मल्टीप्लाई करने में अगर आधा में होगा तो, यहाँ पर एक के बाद दो भी आ सकता है। आधा के बाद डेढ़ दो ढाई चलेगा, या आधा के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, डबल डबल पर चलेगा। जैसे आधा का डबल एक था, एक का डबल दो भी होगा, दो के फिर चार, चार के बाद आठ, या आधा एक डेढ़ दो ढाई, ये दो सिक्वेंस मिलते हैं। अब देखते हैं, अब डेढ़ का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो जितना मल्टीप्लाई किया गया उतना ही ऐड किया गया। अगर डेढ़ का मल्टीप्लाई करोगे तो डेढ़ जोड़ोगे और दो का मल्टीप्लाई करोगे तो दो जोड़ोगे, यही मतलब ने यहाँ पर। तो बेटा डेढ़ का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, डेढ़ का मल्टीप्लाई किया तो छः मिला, और छः में अगर डेढ़ जोड़ते तो 7.5 होता है, ध्यान देना 7.5 होता है। तो 7.5 में आगे मल्टीप्लाई करोगे दो का, तो दो का करोगे तो क्या मिलेगा, 15, और दो जोड़ोगे 17 होगा, जो कि ये वैल्यू नहीं पॉसिबल है, तो इसको हटा दो। अब दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 8 होता है, देखना ध्यान, 4 × 8 होता है और 8 में दो जोड़ते हैं तो 10 होता है। तो बेटा 10 लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन दो के बाद तो आगे 4 का मल्टीप्लाई करोगे और 4 में 4 जोड़ोगे तो 40 और 4 × 44, ये भी नहीं है। मतलब आधा वाला पैटर्न यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि आधा वाला पैटर्न यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है। अब क्या करोगे, आधा वाला नहीं हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब आप एक का देखोगे, पहले एनालाइज करने सिखा रहा हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा फटाफट। अब एक का करोगे तो एक के बाद क्या बताया था, एक के बाद हमेशा माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस यहाँ पर नहीं होगा। आधा में प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन एक के बाद हमेशा माइनस होगा। तो एक में से माइनस दो कर दिया, भाई पाँच में एक का मल्टीप्लाई किया पाँच, माइनस दो कर दिया तीन आ गया। अब इसके बाद दो का मल्टीप्लाई करें, 3 × 6 चार लाना है तो दो का माइनस कर दिया। अब यहाँ पर चार का माइनस करते हैं, अब दो के बाद तीन कर लिया, सॉरी दो के बाद तीन कर लिया, तो तीन कर लिया तो क्या मिला, 4 × 3 = 12, 12 माइनस दो 10 हो गया। अब तीन के बाद यहाँ पर चार का मल्टीप्लाई करोगे, अब माइनस दो करोगे तो देखो चार का मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, माइनस दो किया तो 38 हो गया, मतलब उस प्लेस पर क्या जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज आपका आंसर आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि इन क्वेश्चनों को हम लोग को कैसे करना होता होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये पैटर्न जहाँ भी मिले आपको यही पैटर्न लगाना है जो आपको मैं लिखा हूँ, इन्हीं पैटर्न में सारे क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। जितने भी पेपर में क्वेश्चन उठाकर आप देख लो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 8, फिर 4, फिर 6, फिर 15, फिर वाट, फिर 236.25 ये आपके पास वैल्यू दी गई है। अब आप देखो यहाँ पर, अब 8 के बाद इसके बाद आधा का मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर देखो आधा लग नजर आ रहा है, तो आधा का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई ही नजर आ रहा है, प्लस माइनस कुछ नजर नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि देखो 8 के बाद 4 हो गया और 4 के बाद कंटिन्यूस बढ़ने स्टार्ट लग गया, मतलब दूसरा स्टेप कम हुआ और उसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज कहाँ तक है, एट लास्ट मोमेंट तक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई देखो क्या नजर आ रहा है, 4 में मल्टीप्लाई किया किसका, 4 में जब मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 1.5 का, तो 4 के बाद 1.5 आ गया, एक आधा के बाद 1.5, तो देखो आधा 1.5 1.5 3.5 ये सिक्वेंस बनता है, यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 का, तो 6 में 2.5 का करोगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 में 3.5 का मल्टीप्लाई करते हो तो 15 3 45 होता है, 15 3 45 आधा मतलब 7.5, तो 45 और 7 क्या होता है, 45 45 और 7 52 52.5 हो जाएगा, तो 52.5 मतलब 52.5 इसका ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिखा ही नहीं था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखो दिया हुआ है आपके पेपर में, इसका ऑप्शन दिया है 23.5, फिर दिया 27.5, फिर आपको दिया है 22.5 और एक ऑप्शन दिया है 45.5, मतलब यही आपका आंसर हो गया 52.5। तो 52.5 ही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से ऐसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो 7 दिया हुआ है, फिर 4.5, फिर 6, 11 वाट, फिर है आपका 64.25 ये ऑप्शन है, और आपके पास ऑप्शन है 22.5, फिर है 24.5, फिर है 22, फिर है 27.5 और एक नन ऑफ दीज, बेसिकली इसमें नहीं, यहाँ पर 24 दिया है, यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं है, पांचवा ऑप्शन में 24 दिया है। तो देखो इसे करने के लिए आपको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा फंडा अप्लाई करोगे, सेम पैटर्न है 7, उसके बाद 4.5 हो गया, मतलब ये स्टेप कम हो गया, और इस स्टेप को कम होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कंटिन्यूस इंक्रीज होते चला गया। तो आप करोगे क्या, अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कि तो आधा का कर सकते हैं या 1 का कर सकते हैं, दो ही कंडीशन है, पहले आधा से चेक कर ले रहे हैं, तो आधा का मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 7 में अगर आधा का करोगे मतलब आधा करोगे तो 3.5 हो जाएगा, और यहाँ पर लाना था 4.5, तो 3.5 में 1 जोड़ते हैं तो 4.5 होता है, मतलब मल्टीप्लाई आधा का हुआ और 1 जोड़ना पड़ा। आगे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लग रहा है कि 1.5 जोड़ना पड़ेगा, तो 4.5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 जोड़ना पड़ेगा, तो आधा का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके बाद हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आधा आधा 1 के बाद 1.5 का मल्टीप्लाई, तो अगर 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 के बाद लाना है 11, तो इसका मतलब आपके पास जोड़ना कितना होगा, 9 के बाद आपको 11 लाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो एडिशन में क्या चल रहा है, 1 1.5 फिर 2 फिर 2.5 आपको एडिशन होगा, और फिर आपको 2.5 के बाद क्या जाएगा, यहाँ जो ऐड होगा वो 2.5 होगा, और यहाँ ऐड होगा 3 आपका ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई क्या होगा, आधा 1 1.5 मल्टीप्लाई होगा 2 और ये मल्टीप्लाई होगा 2.5। तो मल्टीप्लाई का भी सीक्वेंस निकाल दिया और एडिशन का भी सीक्वेंस निकाल लिया। अगर आपको करना क्या होगा, 11 में मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, तो 22 हो गया, और उसमें ही 2 ही आप जोड़ दोगे तो आपके पास 24.5 आ जाएगा, 2.5 जोड़ोगे तो 24.5, जो कि ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन दिया है 24.5। अब 24.5 यहाँ की वैल्यू आ गई 24.5, तो 24.5 यहाँ की वैल्यू आ गई बेटा। अब इस 24.5 में आपको करना क्या होगा, 24.5 में 2.5 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा, दिख भी रहा है कि 0.5 पर 0.5 को मल्टीप्लाई करके तो 0.25 आएगा,
मतलब हम लोग का डायरेक्शन सही चल रहा होगा। तो ऐसे हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। अब और पांच क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पांच क्वेश्चन और कैसे इसमें बना लें। देखो ये पैटर्न है, ये सीरीज के क्या हैं, ये सारे पैटर्न हैं, इन्हीं पैटर्न से इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चल रहा है आपका क्वेश्चन। अब इस पैटर्न में देखो अगला क्वेश्चन दिया है 6, 4, 5, 11, 39 और 1। अब इसके बाद ऑप्शन भी आपके पास दिया होता है, ऑप्शन भी मान लो कि पाँच दिया होगा, पांच ऑप्शन देखो निकाल लेंगे, 159 है, 169 है, 189 है, 198 है, 190। आई थिंक ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको देखना होगा कि यही सिंपल सी बात है कि 6 के बाद आपके पास 4 है, मतलब इसके बाद ये कम हुआ, उसके बाद कम होने के बाद कंटिन्यूस इंक्रीज होने लगा जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या करोगे, आपको दिखने को लग रहा है कि इसमें आधा का गम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 होगा और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। फिर अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई करने की बात करें तो आधा के बाद लग रहा है कि 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1, मतलब यहाँ भी 1 ऐड है, यहाँ भी 1 ऐड है। इसका मतलब कि हर स्टेप में आपको 1 ही ऐड करना पड़ेगा। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आधा के बाद 1, 1 के बाद यहाँ पर 2 लेकर चलें तो 2 लेंगे तो 1 जोड़ेंगे। अब आधा के बाद 1 के बाद 2 के बाद सीरीज क्या आती है, 4 आती है, तो 44 हो जाएगा। और 44 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 45, जो कि ये आपको नज़र नहीं आ रहे, गलत है कि नहीं। तो आधा वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब बेटा आता है 1 वाला पार्ट। अब 1 से करोगे, आधा से अगर सीक्वेंस नहीं मिला हम लोग के पास, 39 नहीं मिला, 11 चौके 44, प्लस 1 करोगे, जो सीक्वेंस चल रहा था आधा 1, 2 फिर 4 आता फिर 8 आता, लेकिन ये सीक्वेंस है ही नहीं। अब ये सीक्वेंस नहीं है तो क्या करोगे, अब 1 का ट्राई करोगे, और 1 का करोगे तो हमेशा माइनस ही होगा, तो इंटू 1 करोगे तो माइनस 2 करोगे तभी जाकर 4 आएगा। 6 में 1 का मल्टीप्लाई 6, माइनस 2 किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 दुना के 8, माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 का मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया माइनस 5, 44 माइनस 5 आ गया। अब आपको करना क्या होगा, अपने आंसर निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 6, तो 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस 6 करते हो तो 9 5 45 होता है 5, और 5 3 15 और ये 95, माइनस 6 करते हैं तो हम लोग के पास 189 आंसर आता है, जो कि ऑप्शन में 189 यहाँ पर दिया गया। तो हम लोगों ने ये देखा कि सीरीज के क्वेश्चनों को करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको अप्रोच सुधारना होगा। आप राइट अप्रोच अगर लेकर चलते हो तो इन सीरीज के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो आपने इस क्वेश्चनों को देख लिया कि कैसे इनके आंसर निकालने होते हैं। अब अगले क्लासेस में आपको ये बताऊंगा कि अगले पैटर्न के क्वेश्चन क्या होते हैं और उन्हें हम लोग को कैसे सॉल्व करना होता है, तो इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आज दूसरा पार्ट हो गया, दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, उनके बहुत सारे मैं आपको एक्सरसाइज भी करा दिया, अब बहुत सारे क्वेश्चनों का मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया। अब अगले पार्ट में हम लोग को देखना होगा कि आगे के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम लोग को कैसे लेकर चलते हैं। पहले तो हम लोग सीखेंगे उनके कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करें किस पैटर्न के क्वेश्चन हैं, और उस पैटर्न के क्वेश्चनों के लिए रूल क्या होते हैं। इन चीज़ों को करने के बाद ही अगले पैटर्न के क्वेश्चनों को हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं नए पैटर्न के साथ सीरीज के।